हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। यहां पर हम बात करेंगे कि BTUP एग्जाम में कॉपी कैसे भरे जाती है और कॉपी भरने का सही तरीका और कॉपी लिखने का सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉपी कैसे आप लिखोगे जिससे आपकी बैग ना लगे। ठीक है, अब देखिए आप कौन कौन सी गलती करते हो जिससे आपसे बैग लग जाती है वो भी बताएंगे और टॉपर की कॉपी कैसे होती है, एक टॉपर कैसे लिखता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और जो छात्र चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ जल्दी से नोटिफिकेशन बॉल पे क्लिक करें, प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को यहां पर शेयर भी कर दें। यहां पर आप देख सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन होना पड़ेगा ताकि मैं सभी प्रकार के मॉडल पेपर है ना और PDFs वगैरह जो आती हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDFs मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, तो ज्वाइन जरूर हो जाए टेलीग्राम पर। देखिए एक टॉपर की कॉपी कुछ इस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप कॉपी देख लीजिए कैसे भरी जाती है। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं आपको कॉपी कैसे भरना है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको यहां पर बोर्ड कॉपी दिखती होगी, BTUP बोर्ड की कॉपी बिल्कुल सेम ऐसी ही होती है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, देखो यहां पर पाठ्यक्रम का नाम होता है, तो जो भी आपकी ब्रांच है यहां पर इनकी ब्रांच में यहां पर एग्जाम्पल आपको मैकेनिकल का दे रहा हूं। जैसे मान लो आपकी यहां पर इलेक्ट्रिकल है तो आप इलेक्ट्रिकल भर दोगे। यहां पर जो कक्षा है यहां पर लिखोगे प्रथम, जो भी आपका सेमेस्टर है मान लो प्रथम सेमेस्टर है तो यहाँ पर प्रथम लिख दोगे आप लोग। ठीक है, और फ्रेश लगा के लिख दोगे प्रथम वर्ष। अगर मान लो थर्ड सेमेस्टर है तो यहाँ थर्ड लिखोगे, फ्रेश लगा के लिखोगे सेकेंड ईयर। इस तरीके से भरना है। अब बात करते हैं रोल नंबर की, तो भाई रोल नंबर में मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। देखिये रोल नंबर में आपको क्या भरना है, पहले अपना यहाँ पर रोल नंबर बनना है ना कि एनरोलमेंट में नंबर। मैंने देखा है कई सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, है ना। आपको जो एडमिट कार्ड मिला होगा है ना, तो एडमिट कार्ड पे क्या होता है यहाँ पर रोल नंबर होता है, तो आपको अपना रोल नंबर भरना है यहाँ। ठीक है, रोल नंबर जो भी है, तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है एक यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ जाता है, तो एक्स्ट्रा बना लेना है खाचा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये होता है आपके रोल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है ये, तो इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर डे बाई डे इस तरीके से भर लेना है। अब देखो नीचे कैसे लिखोगे, लिखोगे कि 19 ऐसे नहीं लिखोगे, कॉलम के नीचे 1 फिर इसके नीचे 9, जैसे 7 है तो 7, 8 है तो 8, 0 है तो 0, इस तरीके से इनके नीचे लिखते चले जाओगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं आगे विषय, जो भी आपका विषय हो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका विषय हो, ठीक है मैथ जो भी हो, तो यहाँ पर देखिए विषय लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र जो मिलता है आपको पेपर मिलता है उसमें एक पेपर कोड होता है, तो इस तरीके से आपको कोड भर देना है जैसा कि मैं यहाँ पर को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके टीचर होंगे वो यहाँ पर सेंड कर देंगे कक्ष निरीक्षक। ठीक है, अब देखो दिनांक जो भी है वो यहाँ आपको दिनांक डाल लेना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अब यहाँ पर आपको कमरा नंबर डाल देना है, जो आप कमरा पेपर दे रहे हो वहां पर आपका कमरा नंबर होगा तो वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कॉपी में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखा है परीक्षार्थी इन निर्देशों का पालन करे। पालन करने का मतलब समझ अभी बता देता हूँ आपके लिए, जैसे मान लीजिएगा आप यहाँ पर देख सकते हो, कहने का मतलब ये कॉपी है आप सभी के लिए वो मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखना है। ये 36 पेज की कॉपी होती है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यदि किसी परीक्षार्थी की सीट के आसपास कोई मतलब कागज वगैरह है तो तुरंत मतलब उसके नजर मतलब बता दें टीचर के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, परीक्षा में मोबाइल लाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर केवल उन्हीं प्रश्न पत्र के साथ लिए जाएंगे जिसमें अनुमति दी गई है। ठीक है, कई पेपर में मिलता है कैलकुलेटर ले जाने के लिए। उत्तर पुस्तिका में पृष्ठ 1 से लेकर 5 तक है ना परीक्षाएं हैं, परीक्षार्थी द्वारा किया जाना अनिवार्य है, यानी कहने का मतलब यह है आपको 100% इसमें सोल्यूशन देना है। आप देख सकते हो आपको बताते हैं आपको कॉपी कैसे लिखना है जिससे आपको 50 में 50 नंबर मिल सकते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर प्रश्न उत्तर इस तरीके से आपको ये कॉपी मिलेगी, यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींच लेना है और यहाँ पर लाइन खींच लेना है इस तरीके से, सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न उत्तर 1 मान लीजिएगा आ कर रहा है तो आ इस तरीके से लिख दोगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर और यहाँ पर लिख दोगे आ ऐसे करके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन ऊपर भी एक लाइन खींचोगे और जस्ट यहाँ पर नीचे भी एक लाइन आप लोग यहाँ पर खींच दोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ोगे तो प्रश्न उत्तर इस तरीके से लिखोगे नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज से लिखोगे, उसके बाद नीचे आ जाओगे यहाँ पर लिखना होगा प्रश्न उत्तर 1 फिर बा, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर भी बा लिख सकते हो,
ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपको सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है जिससे आपके 50/50 नंबर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से आपको यहाँ भी इस तरीके से करना है, यानी कि यहाँ भी लाइन खींचना है, ऊपर भी लाइन खींचना है, इस तरीके से हाशिया बना लेना है। जैसे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको अपनी कॉपी में रिप्रेजेंटेशन करना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने देख लिया कि कॉपी कैसे मतलब भरी जाती है, मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए टॉपर की कॉपी कैसे होती है, आखिरकार एक स्टूडेंट्स होता है वो किस तरीके से अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करता है, और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही कॉपी को अपनी रिप्रेजेंट करना है और सेम ऐसे ही लिखना है जिससे आपकी बैक तो नहीं आने वाली, इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने वीडियो में बताया गया सारे स्टेप्स फॉलो किए होंगे देन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर ऊपर से लाइन खींचना है एक, ठीक है, और यहाँ पर डबल लाइन खींच लेना है। उसके बाद देखिए, मान लो आप पहले का यहाँ पर का आंसर लिख रहे हो, ठीक है ना, तो आपको लिखना होगा प्रश्न उत्तर क्रमांक 1 लिखोगे इस तरीके से, फिर का लिख दोगे। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर वहां पर पूछा मशीन के बारे में बताइए, तो हमें लिखना है मशीन, तो लिखेंगे यहाँ पर सुंदर राइटिंग में लिखना है मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके यहाँ पर उपयोगी कार्य करती है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर पेज भर जाता हो तो ठीक है, अगर पेज में मान लो आधा पेज भरा गया तो आप उसी के नीचे से है ना इस तरीके से लाइन खींच दोगे, और वहां से लिखोगे प्रश्न उत्तर क्रमांक 1 का, आप खा लिख रहे हो आप, तो खा लिखोगे इस तरीके से। तो चुंबकीय प्रोफेक्स है ना, चुंबकीय प्रोसेस क्या है, प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाएं जो आपकी समान रहती हैं तथा निकाय प्रारंभ अवस्था में वापस लौट आता है। तो आपको कहने का मतलब बच्चों ये इसी तरीके से कॉपी प्रेजेंट करना है। एक टॉपर स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही कॉपी लिखता है जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आखिरकार आपको कॉपी कैसे लिखना है और कॉपी कैसे भरी जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। सारी बातें आपको समझ में आ गई, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप गलती नहीं करोगे भैया तो आपकी बैक नहीं लगेगी, अगर गलती करोगे मतलब कॉपी गलत भर देते हो या फिर खराब राइटिंग में लिखते हो तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स होती है, तो जिस कारणवश आप लोगों की बैक वगैरह लग जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो फिर आज के स्टूडियो को यहीं पर एंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, टेक केयर।